अब तक हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। और एग्जांपल अगर हमें एक पॉलिनोमियल इन एक्स दिया हो, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 4x, तो आपको अच्छे से पता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एक्स की ऐसी वैल्यूज रखने पे जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग वैल्यूज नजदीक ही लेंगे, जैसे कि माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन और टू। इससे क्या होता है कि हमें नजदीकी छोटी वैल्यूज से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसानी से हम उसे देख सकते हैं कैसा होगा। जब हम माइनस टू का क्यूब करेंगे तो हमें माइनस एट मिलेगा। माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू, यू विल गेट पॉजिटिव एट, तो ये हो जाएगा जीरो। तो ये एक आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। सिमिलरली माइनस वन रखने पे क्या होगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर, यू गेट पॉजिटिव फोर। सो आफ्टर डिडक्शन यू गेट अ पॉजिटिव थ्री एज द आंसर। सिमिलरली जीरो रखने पर क्या होगा, जीरो क्यूब दैट इज जीरो, माइनस जीरो, सो यू गेट अ जीरो। सो दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ एक्स एट विच यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज जीरो। सिमिलरली जब हम एक्स की वैल्यू वन लेंगे तो कितना आएगा, वन का क्यूब वन, माइनस फोर, यू गेट माइनस थ्री। सिमिलरली टू की जब हम वैल्यू एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एट, माइनस फोर टू का एट, अगेन यू गेट अ जीरो। सो दिस इज द थर्ड वैल्यू एट विच यू गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज जीरो। सो दीज थ्री आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जब हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा हो जाएगा कि वाई एक्सिस पे हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू शो करेंगे, कि जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस टू रखने पर वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। ग्राफिकली जैसे आप इसे प्लॉट करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हमने पॉइंट्स नजदीक ही लिए हुए हैं, राइट हैंड साइड आप, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जीरो, ये पॉजिटिव वन, ये पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वन, नेगेटिव टू एंड नेगेटिव थ्री। अपर साइड जैसे ही हम पढ़ेंगे तो पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री एंड पॉजिटिव फोर, और यू कैन टेक पॉजिटिव फाइव। सिमिलरली डाउनवर्ड साइड माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड माइनस सिक्स। अब हमने देखा था कि वाई की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू माइनस टू है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो जब हमारा एक्स माइनस टू है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, माइनस टू कॉमा जीरो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस टू कॉमा जीरो। एक्स की वैल्यू हम लोग ऑलवेज आगे लिखते हैं, वाई की वैल्यू बाद में लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, माइनस वन कॉमा थ्री। तो जब एक्स की वैल्यू माइनस वन है, सॉरी एक्स की वैल्यू माइनस वन है, तो आपका पॉलिनोमियल का रिजल्ट कितना है, पॉजिटिव थ्री। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट यू गेट ओवर दिस। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो है। सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया ये आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट मिल जाएगा आपको, जहां से ग्राफ अब टर्न लेगा। एक्स की वैल्यू जब वन है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू वन, पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस थ्री। हम लोग इस तरीके से इसे प्लॉट करते हैं, एक्स की वैल्यू टू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो। सो अगेन यू कैन सी आपका ये पॉइंट यहां पर मिल गया। तो जैसे आप इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से ओरिजिन से होता हुआ और फिर वापिस से पॉजिटिव टू से ऊपर ऊपर भी जा रहा है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमें तीन वैल्यूज पे जीरो मिले थे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो है, जीरो पे जीरो है और पॉजिटिव टू पे भी जीरो है। तो होप आपको एक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड हाउ इज द रिप्रेजेंट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल।